आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डॉक्टर वकार, ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने लार्जेस्ट एवर बेलआउट पैकेज की तरफ जा रहा है आईएमएफ से, 10 to 12 बिलियन डॉलर। और लास्ट हमने 5 साल हुकूमत में 2013 में आते साथ ही 5.3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी लिए थे। हम चाइना से भी ले चुके हैं तकरीबन 5 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर लोन की मद में। और अब असद उमर साहब की तरदीद आ गई है, वो कह रहे हैं मुझसे जो मंसूब स्टेटमेंट है कि हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। माई क्वेश्चन टू यू, कंसिडरिंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो फिर क्या करेंगे हम, और कैसे इस मईशत की जो तबाहकुन सूरत हाल है उसे नबरद आजमाओगे, ऑप्शंस क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जो मेरी ज़ाती राय, असद उमर साहब ने उसको फ्रेज इस तरीके से किया था कि जी हम आईएमएफ के पास जाना रूल आउट नहीं कर सकते, ये जो 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 He did say that on record. जो मैंने सुना वो ये था जी। अच्छा, इसमें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ग्रेव नज़र आती है। इस वक्त आपका जो तजारती खसारा है वो तकरीबन 38 अरब डॉलर का है, जो तारीख में हाईएस्ट है। ठीक। आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो 61 अरब डॉलर की हैं, जो कि तारीख में हाईएस्ट हैं, और इसमें बहुत सारी नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं जिनका इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो आ रही हैं, और आपके पास उतना डॉलर रिजर्व नहीं है उन इम्पोर्ट्स को देने के लिए। स्टेट बैंक के जो इस वक्त रिजर्व्स हैं, आपने देखा होगा जो हालिया फिगर आई है 9 बिलियन डॉलर, वो तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं, तकरीबन 2 महीने की इम्पोर्ट्स जिससे आप अफोर्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये एक किस्म का एक वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं होती अगर इतना कम आपके पास मिनिमम है, कितना होना चाहिए वो रिजर्व, कम से कम आपके पास कम से कम आपके पास 5 से 6 माह का रिजर्व होना चाहिए कवर अप करने के लिए। और ये इसलिए भी ग्रेव है कि अब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ग्लोबली इंक्रीज कर रही हैं, और विद इंक्रीजिंग ऑयल प्राइस आपको तो स्टॉक्स जो हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उनको और ज्यादा बीफ अप जो है वो करना चाहिए। लेकिन हुकूमत में जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें आई कि जी वो आ रहे हैं, हमने देखा डॉलर कितना नीचे चला गया, रुपया कितना बेहतर हो गया, तो लोगों ने तो ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि देखें अभी हुकूमत में आए भी नहीं है और इतनी बेहतरी आ गई, आएंगे तो ये तो तबाही फेर देंगे, मजा आ जाएगा जी। लेकिन जाहिर है वो फाइनेंसिंग गैप कहीं से तो पूरा करना है, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा, और वो फाइनेंसिंग गैप अब कहां से करेंगे? एक तरफ तो आपके पास फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का ऑप्शन है, लेकिन आप कितनी दफा चाइना के पास बारहा जा सकते हैं? और उल्टा चाइनीज ने भी जो है वो दबे दबे लफ्जों में अब कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को पहले अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है बिफोर आस्किंग फॉर मोर लोन्स। फिर दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन्होंने अभी तक उतनी रेडीनेस शो नहीं की, आई एम रेफरिंग टुवर्ड्स द सऊदी गवर्नमेंट एंड अदर्स, उन्होंने कोई ओपनली आके सऊदी गवर्नमेंट के पास जा कैसे सकते हैं, क्योंकि यमन के ऊपर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में ली थी कि यमन जंग में कि हम सऊदी में नहीं भेजेंगे अफवाज, उसके बाद तो एक क्लैश सा पड़ गया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा पॉलिसी यू टर्न होगा अगर ये कंसिडर करते हैं सऊदिया या इवन यूएई के पास जाना। जी जी जी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं, जिस तरीके से यूरो बॉन्ड्स लॉन्च करना या सकूक बॉन्ड्स को लॉन्च करना, वो यूजुअली आप तब करते हैं जब आपकी मैक्रो इकोनॉमिक रेटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो गया। इस वक्त जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो एक कदर घटाई है, इनफैक्ट पिछले इलेक्शंस के बाद अगर आप देखें तो इन रेटिंग्स के साथ अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से बॉन्ड इशू भी नहीं कर सकते। तो ना बॉन्ड इशू कर सकते हैं, आईएमएफ के पास जाना नागजीर नजर आता है, ना फ्रेंड्स के पास हम जा सकते हैं कंसीडरिंग द सिचुएशन। बेशक असद उमर साहब लाख इनकार कर लें, बेशक असद उमर साहब जो है वो लाख इनकार कर लें, लाख उनकी तरफ से तरदीद सही, लेकिन आईएमएफ के पास जाना जो है वो नागजीर है। मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर वकार, इस सूरत हाल में एक कंसर्न ये भी शो हो रहा है कि अगर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, जो कि आपने कहा कि अनअवॉइडेबल है, असद उमर साहब ने भी एक्चुअली यही कहा था कि अनअवॉइडेबल है, उस सिचुएशन में सीपैक इज अनदर इशू। चाइनीज को तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन और कंसर्न ऑलरेडी हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीपैक पे हमारी वो तवज्जो नहीं है, आईएमएफ के पास जाने के बाद तो सीपैक उनके रडार में आ जाता है, उनकी एक तरीके से उसके ऊपर नजर आ जाती है, जो कि चाइनीज को मंजूर नहीं होगा किसी सूरत भी। तो इसका मतलब है हम चाइना के पास जो हमारा वाहिद दोस्त है हम उसके पास भी नहीं जा सकते, मतलब अगर आईएमएफ के पास जाते हैं हम तो चाइना के साथ हालात खराब हो जाते हैं हमारे। जी, बहुत ही टाइट रोप है जो आपको वॉक करना पड़ेगी, क्योंकि आपको एसेंशियली सीपैक की डिटेल्स फिर जो है वो खोल के बताना पड़ेगी, सीपैक के जो लोन्स हैं उनकी कंडीशन आपको बताना पड़ेगी, उनकी अंदर जो आपने मार्कअप्स तय किए हैं वो आपको आईएमएफ को जो है वो बताना पड़ेंगे। जाहिर है वो आपका
आपका लेंडर है, लेकिन इससे भी जो अहम बात है वो ये है कि IMF के किसी भी प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो दो तीन चीज़ें जो हैं वो IMF जो है वो बड़ी क्लोजली वो मॉनिटर करता है। एक तो ये है कि आपके बिजली और गैस के निर्ख जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब ये कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शॉर्ट टर्म में कम अज़ कम इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, जो आप एक टैक्सेशन का निज़ाम लाए थे जो पिछली गवर्नमेंट जाते जाते देकर गई थी, जिसमें उन्होंने टैक्स रिजीम को बहुत लिबरली जो था वो रिलैक्स किया था, IMF शायद उस तरीके से ना टैक्स रिजीम को देखे, वो शायद टैक्स रेट्स को मजीद इंक्रीज करना चाहे, तो उससे भी जो है बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है। और जो शुरू के दो साल होते हैं IMF प्रोग्राम के, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है जब हम IMF के पास जाते हैं तो हम पब्लिक स्पेंडिंग नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब जो कहते रहे जी एजुकेशन के अंदर वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे या हेल्थ के अंदर वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हेल्थ स्ट्रक्चर मुल्क का बेहतर करेंगे, IMF विल नॉट अलाउ अस टू स्पेंड एनी मनी ऑन पब्लिक सेक्टर, इस सूरत में वो तमाम तर वादे, वो तमाम तर दावे जब वो वफा नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब, तो ये कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं शबर जैदी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शबर जैदी साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बड़े बड़े दावे किए सर इलेक्शन से कबल, अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो हमारे मौशी चैलेंजेस हैं वो इस किस्म के हैं कि हमारे लिए IMF के पास जाना नागुजीर है। असद उमर साहब ने वजाहत दी है, वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने जो ऑन रेकर्ड स्टेटमेंट दी थी वो यही थी कि रूल आउट नहीं किया जा सकता इस पॉसिबिलिटी को। द थिंग इज सर कि अब हम अगर IMF के पास जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी उनकी शराइत है जो हमें मानना पड़ेंगी, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, बिजली के निर्ख में इजाफा, जो हमारी कंपनियां खसारे में हैं पब्लिक सेक्टर की, उसकी सूरत हाल को बेहतर करना या उनको बेचना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तरीके इंसाफ की इलेक्शन में जो दावे थे उनसे इनहराफ है। कैसे करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इतना बड़ा चैलेंज है उनके सामने कि पब्लिक को भी एतमाद मिले और ये सारे काम भी करें और IMF के पास भी ना जाएं, कशकोल भी तोड़ें। देखिए, ये जो बात है कशकोल तोड़ना और कशकोल जोड़ना, ये तो जज्बाती गुफ्तगु है। बात यह है कि जो पाकिस्तान की आज फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन है जी, उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें IMF के पास जाना चाहिए। असद साहब उनका डिसीजन है वो जाएं या नहीं जाएं, मैं ये समझता हूँ कि हमें IMF के पास जाना चाहिए और अगर IMF से हमें एक रीज़नेबल फैसिलिटी मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए। ठीक, अब सवाल ये है कि ये एक अलग मसला है कि लोग IMF की कंडीशनलिटीज़ को किस तरह देखते हैं। IMF के प्रोग्राम में मेरे ज़ाती हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है, ये एक परसेप्शन है। अगर इस परसेप्शन को हम समझें कि IMF वाले क्या कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि बिजली की प्राइसिंग ठीक होनी चाहिए तो इसमें कौन सी ख़राबी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि टैक्स का निज़ाम ठीक होना चाहिए तो इसमें कोई कौन सी ख़राबी है, तो ये जो एक हमने एक हवा सा बना लिया है कि IMF प्रोग्राम आएगा तो पाकिस्तानी अवाम की गर्दन दबा दी जाएगी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान की अवाम की गर्दन क्या आज दबी हुई नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम आज खुशहाल है? जो हम 5 साल IMF के प्रोग्राम से बाहर रहे तो हमने कौन सी तीर मार ली है, हमने कौन सी ऐसी खूबी पेश कर दी जिससे हम बेहतर रहे? तो मैं IMF और नॉन IMF की बात नहीं करता, हमें कुछ प्रिंसिपल एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, PTI के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको अपनी माशी प्रायरिटी चेंज करनी है और जो मेरा मशवरा उनको ये होगा कि वो शॉर्ट पहले एक दो सालों में सख्त फैसले करें। अच्छा, अब यही बात आ जाती है ना शबर जैदी साहब, जब हम सख्त फैसलों की इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, माजरत के साथ सर, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं हो, बहुत माजरत के साथ, लेकिन आप मेरे साथ मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, कैसे करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ सख्त फैसले, क्योंकि अवाम में हौसला नहीं है सख्त फैसले, मजीद सख्त फैसले बर्दाश्त करने का, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आते ही मुआशी एतबार से, अदरवाइज भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से पाकिस्तान की किस्मत बदलनी चाहिए और जल्द बदलनी चाहिए, ये एक दो साल में शॉर्ट टर्म के अंदर सख्त फैसले इमरान खान साहब कौम को एतमाद में ले पाएंगे सर? देखिए, बात ये है कि जहां आज हम खड़े हैं तो वहां पे उसे आगे खाई है इक्तिसादी तौर पे जी। अब आपकी मर्जी, अगर आप खाई में गिरना चाहते हैं मैं इसलिए कि आपने कुछ ऐसे वादे किए हैं जो पूरा करना चाहते हैं तो आपको रोक तो कोई नहीं सकता। ठीक, माजी के हुक्मरानों को भी तो कोई नहीं रोक सका ना, जब तेल की कीमत इतनी कम थी दुनिया में तो हमें क्या रिलीफ मिला था? ईमानदारी से बताओ, क्या आपका बिजली का बिल कम हो गया था? दुरुस्त, क्या आपका गैस का बिल कम हो गया था? अगर उस वक्त कम नहीं हुआ तो आज जो हम दे रहे हैं, जो आज घर जाके बिजली का बिल देखना कि पर यूनिट कितने पैसे दे रही हो, और IMF अगर हमें लोन देता तो कितने पैसे बढ़ जाएंगे,
देखिए ये परसेप्शंस होती हैं एंड समटाइम परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। ये खौफ तो है कि नुकसान होगा, लोगों पर दबाव बढ़ेगा। यहाँ तक रही टैक्स की बात, ये हैरानकुन बात थी कि जो टैक्स का रिलीफ दिया गया वो बहुत अच्छा लगता है कि जनाब यार टैक्स का छूट मिल गई, लेकिन सवाल है कि क्या टैक्स नेट को बढ़ाया, क्या पिछले 5 साल में टैक्स नेट को बढ़ाया? आपको पता है हिलरी क्लिंटन ने भी इनको कहा कि आपको अपना निजाम चेंज करना पड़ेगा टैक्सेशन का। ये सारी उम्र आप भीख मांगते रहेंगे, कैसे चलेगा आपका? टैक्स आप बढ़ाने को तैयार नहीं, दुकानदार आना दे, यानी वो सर सवाल यही पैदा होता है ना, मुझे बताना इफ्तिखार साहब तरीके से आप कर पाएंगे ये सख्त फैसले? करने होंगे। देखिए ये सख्त फैसला नहीं है, इसको सख्त फैसला आप कैसे कहती हैं? यानी कि आप लोग कहते हैं कि दुकानदार को टैक्स ही ना दे, यानी कि एक जो तय है कि इतने लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, आप देना ही नहीं चाहते हैं। ये तो चले ठीक बात है ना, लेकिन अगर हम IMF के पास जाते हैं, IMF में कहता है जी बिजली के निर्ख बढ़ाएं, IMF हमें कहता है पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ना करें, IMF हमें कहता है सारी खसारे वाली कंपनियां बेचें, तो तरीकन साहब क्या करेगी? देखें जहां तक तो खसारे वाली कंपनियां बेचने का फैसला है वो तो बड़ा सोच समझ के करना होगा, वो कुछ जज्बाती डिसीजन तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मजदूर इन्वॉल्व है, मजदूरों को बेरोजगार नहीं कर सकते, पोलिटिकल बहुत आप ही अहिवल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे अहमकाना फैसले किए जाएंगे। अभी हमें चाइना ने बचाया है, अभी हमें ये जो अपना बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने हमें एक दिया हौसला इस्लामिक बैंक वालों ने, तो ये थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है, हमें इतने खौफजदा नहीं होना चाहिए और ना ही पहले दिन से अभी हेल्प हुआ नहीं। मजे की बात ये है ना, तरीके इंसाफ ये कहती थी कि हम कशकोल तोड़ देंगे, अभी मैं आई विश आई कुड प्ले द क्लिप मेरे पास, देखो देखो फहद जी 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 फारूख, हर आदमी कशकोल तोड़ रहा है, मेरी उम्र 59 ईयर्स हो गई है, मैं यहाँ पे कशकोल टूटते हुए देख रहा हूँ और हर दफा एक नया कशकोल। आपका हमारे चैनल न्यूज ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।